नौ घर को 2,19,00,000 रुपये कंपोजिशन दिला के आज 180 पर नौ घर को आज हकपत्रा दिया गया है। ये बहुत बड़ी मेहरबानी हमारे एमएलए साहब की। अब हमने जमीर अहमद साहब हकपत्रा दे घर को बहुत बड़ी खुशी हुई। 1,600 घर का काम चल रहा है। हम एमएलए जमीर अहमद का उन्हें हक को पत्रा देना से ये भारत माता सेवा संघ से और हमारा भारत माता सेवा संघ से और हमारा गिरिपुरम से आपको बहुत धन्यवाद करते हैं। तो उनके नाम पे रजिस्टर हो जाएगा। अगर रजिस्टर होने के बाद मैं इधर ही लगा कि उनका खाता जो बनाना है मैं खाता बना के। आज चामराजपेट के गिरिपुरम के स्लम इलाके में तकरीबन 190 के करीब यानी 189 मकानात के हक पत्र दिए गए। जमीर अहमद खान की मेहनत से इन स्लम इलाके के तमाम लोग जो कई सालों से परेशान थे, जिनके हक पत्र उनके पास नहीं थे, यानी कि स्लम इलाका किसी और के ज़मीन में बसा था, जमीर अहमद खान ने हुकूमत से लड़कर इन तमाम लोगों को जो है ये ज़मीन मुहैया कराया और इन्हें अब हक पत्र तकसीम किया गया। 189 फैमिलीज़ को ये मकानात दिए गए हैं। जो भी मकानात में वो रह रहे थे अब वो लीगलाइज हो गए हैं। उन तमाम लोगों को ये हक पत्र तकसीम किए गए। जमीर अहमद खान की इस मेहनत की वजह से ये साबित हुआ है, ये कारनामा अंजाम दिया गया है। इसी वजह से यहाँ के लोग जो हैं, जिसमें ज़्यादातर लोग दलित हैं, तमिल के लोग हैं, तेलुगु के लोग हैं, यानी कि मुख्तलिफ इलाके की कम्युनिटी के लोग हैं, जिसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, तमाम तर लोग इसमें शामिल हैं। तमाम लोगों का यही कहना था कि हम सालों से हमारी ख्वाहिश थी कि हमें हक पत्र मिले, आखिरकार जमीर अहमद खान ने हमें हक पत्र दिलाया। उन्होंने जमीर अहमद खान का शुक्रिया अदा किया। हमें ये गिरिपुरम स्लम्स से आज हक्को पत्र देना वाला फ्रॉम एमएलए बीजेड जमीर अहमद खान, उन्हें हक्को पत्र देना से ये भारत माता सेवा संघ से और हमारा भारत माता सेवा संघ से और हमारा गिरिपुरम से आपको बहुत धन्यवाद करती और बहुत बहुत धन्यवाद करती सर। थैंक यू। कल 60 वर्षदी केस नड़ीता नम हिरी नम ताता नम अप अदादे ना एलू केसन फेस बंद इतचे नम जमीर अहमद खानव नम चामराजपेट शासक निम्देन कुंदते कहोदे अना ईर नम ओनर और कर्को बर्तीरा दस कर्क एल एच एल कूर्सी और कैन गौर्मेंट दुड को आ दुड ना तक नागे ऐन जन के ना गौर्मेंटे को दुड नान को बीजेड जमीर अहमद खान परवा अद्र मुखातर और 2,30,00,000 शांशन दुडन को नमें नम इली जन बड़ी जनकोसर और हकपत्र को कार्यक्रम इवत ऐर्पाड़ी। मैं गिरिपुरम में 40 साल से हमें छोटे से घर में ज़िंदगी गुजार रही, तो हमना तब से अब तक का कभी कौन भी ऐसा हेल्प नहीं करे, हमना अब तक का कौन भी पूछ को भी देखे नहीं, मगर यहाँ पूरे तमिल वाले रहे तो भी हमारे साथ कभी क्या भी बुरा नहीं करे, हमें सब चीज़ मिल को भाया भाना के तरीके से हमें सभी थे। अब हमना जमीर अहमद साहब हक पत्रा दे घर को बहुत बड़ी खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया हमना इतना हेल्प करने के वास्ते। हमें हमारे बच्चे बच्चों को जनरेशन टू जनरेशन हमें उनको बहुत याद करती, हर हमेशा हमें उनको दुआ देती, उनको अभी अल्लाह मियाँ इससे ज़्यादा लाख 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 नवाजें। ಏನ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಜಮೀರ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ತುಂಬ ವಂದನೆಗಳು। अब अल्लाह की मेहरबानी हमारे एम एल ए साहब बीजर जमीर अहमद खान साहब की तरफ से ये इस बार हक पत्रा मिल रहा है। अब बोल को ही सभी देरी सबको सबको घर को बोल को ये पूरा बहुत बहुत साल से पेंडिंग था, 40-50 साल से पेंडिंग था ये किस्सा, ये अब ये क्लियर हुआ है। ये बहुत बड़ी मेहरबानी है हमारे एम एल ए साहब की, एम एल ए साहब का बहुत शुक्रिया है। आज हमारे गिरिपुरा में जो बहुत दिनों से आवाम की गरमान थी उधर हक पत्रा देना करके आज स्लम बोर्ड से ये आइडेंटिफाई करके स्लम बोर्ड में अक्वायर करा के जगह ओनर को 2,19,00,000 रुपये कंपोजिशन दिला के आज 180 पर नौ घर को आज हकपत्रा दिया गया है। बचत 8 जन को वो कुछ करेक्शन की वजह से उनको हकपत्रा नहीं दिया गया है, उनको सोमवार का दिन हमारे एमएलए ऑफिस में करेक्शन करके वो 8 जन का भी दिया जाएगा। अभी हकपत्रा देने के बाद उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो स्लम बोर्ड को अगर 4,000 रुपये भर देंगे तो वो स्लम सब रजिस्टर को डायरेक्शन देंगे, तो डायरेक्ट उनके नाम पे 4,900 रुपये जनरल रहेगा, तो 4,900 रुपये अगर पैसा भर देंगे उधर तो उनके नाम पे रजिस्टर हो जाएगा।
अगर रजिस्टर होने के बाद मैं इधर ही लगा कि उनका खाता जो बनाना है मैं खाता बना के देता हूँ। अरे स्लम बोर्ड की तरफ से 1000 घर बनने का भी जो आपने इससे पहले कोशिश की थी मीटिंग में बात की थी। नहीं, ऑलरेडी हमारे 2000 घर का मैं प्रपोजल दिया है, सोमवार 1000 घर देता हूँ करके कहा है। ऑलरेडी मेरे घर के अंदर 1600 घर का काम चल रहा है, जैसा कि जनता कॉलोनी के अंदर, बख्शी गार्डन के अंदर, आनंदपुरा के अंदर काम पेंडिंग हो चुका था। वजह उसकी क्या हो गया, वो इनिशियल पेमेंट नहीं दिया गया था तो उनकी थोड़ी मजबूरी गरीबी है, लॉकडाउन की वजह से उन लोग काम नहीं गए थे। मैं लास्ट में मीटिंग करके सोमना के साथ उनका जो जनरल का जो पेमेंट बनना था वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से बनना करके स्लम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को जो बनना था वो स्लम बोर्ड से देखे स्लम बोर्ड में बनते करके सोमना ने वादा किया 5 करोड़ का। जो एससी एसटी है उनको एससी एसटी से देके वो भी बनने का, वो 1600 घर का काम अभी चालू हुआ है। अभी एक 2000 घर का मैं एप्लीकेशन दिया था, उसके अंदर 1000 घर को देते करके सोमना ने बताया। वो इंशाल्लाह अभी असेंबली चल रहा था, असेंबली ख़त्म हो गया, अगली महीना बैठ के मैं और 1000 घर सैंक्शन कर गया।